अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम वेक्टर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 की इक्वल होगा उसको हम यूनिट वेक्टर कंसिडर करेंगे। अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड, अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर देखे ना। अब एक वेक्टर है, अगर उसकी लेंथ ज्यादा है, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है, तो उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें, मतलब उस वेक्टर की लेंथ को थोड़ा सा कम कर दें, डायरेक्शन वही हो कि लेंथ उसकी कम कर देंगे, तो हमें उसके साथ डील करना ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी रिटन एज, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी इज रिटन एज, रीड एज। अच्छा, उसको रिटन किस तरह से लिखेंगे, ये किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और इसको पढ़ते किस तरह से, रीड एज वी हैट। इसको क्या पढ़ते हैं, वी हैट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वी हैट हो गया, मतलब किसी भी वेक्टर वी के यूनिट वेक्टर को इस तरह से शो करते हैं, और उसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को किस तरह से फाइंड करेंगे, एंड इज डिफाइंड बाय वेक्टर वी हैट, वेक्टर एंड वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन हो और आपने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करोगे, तो एक जो नया वेक्टर आएगा वो आपके पास वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, उस गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर गिवन होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इस तरह से हमारे पास एक होता है जीरो वेक्टर, ठीक है। अब जीरो वेक्टर आप अगर इसको इमेजिन करें, तो ऐसा वेक्टर होगा जिसकी लेंथ होगी नहीं, जीरो होगी, ठीक है। तो उसको जरा देखते हैं कि इफ टर्मिनल पॉइंट बी, इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर, पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर, इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी, ऑफ वेक्टर ए बी कोइंसाइड्स, इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर, कि किसी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट जो है वो उसी जगह पर हो जहां पर उसका इनिशियल पॉइंट है। कोइंसाइड का मतलब क्या है, कि एक ही जगह पर हो, कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल, कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट, विद इट्स इनिशियल पॉइंट ए, देन मैग्नीट्यूड ए बी, देन मैग्नीट्यूड ए बी विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, समझ आ गई है। और इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, एंड जो वेक्टर ए बी होगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, विच इज कॉल्ड जीरो आर नल वेक्टर, जिसको क्या कहेंगे, विच इज कॉल्ड जीरो आर नल वेक्टर, विच इज कॉल्ड जीरो आर नल वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ए की जगह पर हो, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो उस केस में उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे,
उसको हम कहेंगे नल वेक्टर कहेंगे या जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर हमारे पास ये है कि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव कब होंगे हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टू वेक्टर्स आर सेट टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, negative of each other, two vectors are said to be negative of each other if they have same magnitude, if they have same magnitude, if they have same magnitude but opposite direction, but opposite डायरेक्शन, ठीक हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर जो हों उनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनके डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इफ लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए बी जो कि वी के इक्वल है, देन अगर मैं इसके डायरेक्शन को उल्टा दूँ बी ए कर दूँ, ठीक हो गया, तो वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ए बी आएगा और ए बी किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बी ए जो है वो वेक्टर वी के तो इक्वल है बट नेगेटिव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं एंड बी ए का जो मैग्नीट्यूड है जो मैग्नीट्यूड को शो करता है वो ए बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। यही बात हम कर रहे हैं ना कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो बी ए ये मैग्नीट्यूड शो करता है, ये जो वर्टिकल बार्स नजर आ रही है तो ये आपको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक हो गया बात। अच्छा जी, अब अगर आप इस बात को इस तरह से समझे ना, लेट्स से ये मेरे पास वेक्टर है एक और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, कोशिश करते हैं लेंथ दोनों की इक्वल आ जाए, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ ये वेक्टर है आपके पास, ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं बी पे जा रहे हैं और ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं और ए तक आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर है वो बी ए के तो इक्वल है लेकिन उसके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।